नमस्कार, मैं अजीत चक डेली वर्ल्ड टीवी में आपका स्वागत करता हूं। अब लैपटॉप पे पिक्चर देखते हुए आराम से प्लेन में सफर करने का दिन गए। लैपटॉप और टैबलेट, ये दो यंत्र अब आप हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते अपने साथ, इनको बैगेज में चेक इन कराना पड़ेगा। एक जमाना था जब मुंह उठा के हम लोग चले जाते थे एयरपोर्ट और प्लेन में चुपचाप बैठ जाते थे और जहाँ जाना होता था जल्दी से पहुँच जाते थे। फिर आया आतंकवाद। सबसे पहले शुरू हुआ ये मिडिल ईस्ट से, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। उनने क्या किया, प्लेन हाईजैक करना चालू किया। दो आदमी घुसाते थे प्लेन पे पिस्तौल लेके और सारे प्लेन को उठा के ले जाते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ ले जाते थे। तो लोगों ने कहा कि इससे बेहतर है ट्रेन से सफर करो, कम से कम ट्रेन हाईजैक करेंगे तो पटरी से तो उतार के नहीं ले जाएंगे ना, प्लेन को तो कहीं भी उतार के ले जाते हैं। फिलहाल आस्ते आस्ते हाईजैकिंग का जमाना खत्म हुआ तो आ गया ISIS। अब ISIS का लेटेस्ट थ्रेट यह है कि वो ऐसे लैपटॉप और टैबलेट बनाएंगे जो प्लेन के अंदर विस्फोट करेंगे और विस्फोट से पैसेंजर को मरेंगे, हो सकता है प्लेन भी हाईजैक कर लें। हाईजैक करने के बाद अपने डिमांड्स और शर्तें रखें अमेरिका के सामने, इंग्लैंड के सामने। तो इसलिए फिलहाल इन दोनों देशों ने तो लैपटॉप और टैबलेट बैन ही कर दिए हैं। आस्ते आस्ते और देश भी बैन कर देंगे लैपटॉप और टैबलेट। मगर निश्चित रहिए, ट्रेन में आज की तारीख में भी आप लैपटॉप और टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, फोन पे पिक्चर देख के अपना सफर कर सकते हैं, अगर बर्थ मिल जाए तो। नहीं मिल जाए तो ट्राई कीजिए, शायद TTA आपको एडजस्ट कर।